आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो देश में अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने, सिर्फ यूपी एमपी और महाराष्ट्र में 1/3 बने हैं कार्ड। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है देश में कुल जो है अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा कार्ड जो है उत्तर प्रदेश में 4,83,00,000 के आसपास बने हैं, वही एमपी में 3,78,00,000 और महाराष्ट्र में 2,39,00,000 का आयुष्मान कार्ड बने हैं। वही पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में जो है 16 करोड़ और मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अब तक जो है 7.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने, यानी हर एक मिनट में जो है देश के अंदर 181 आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया है कि इस स्कीम के तहत अब तक जो है 6,20,00,000 के आसपास लोगों को यहाँ पर अस्पताल में इलाज जो है हो चुका है, जिनमें सरकार का जो है कुल जो है 80 करोड़ के आसपास जो खर्च जो है वो आया है। साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि यह स्कीम समाज में समानता को बढ़ावा यहाँ पर दे रही है। कुल 30 करोड़ कार्ड में से महिलाओं के 49% कार्ड बने हैं। वही स्कीम के तहत इलाज कराने वालों में 48% महिलाएं हैं। वे पीएम मोदी 23 सितंबर 2018 को इस योजना का शुभारंभ जो है पीएम मोदी ने किया था। वह आयुष्मान योजना का तीसरा फेज जो है 17 सितंबर से शुरू हुआ था। तीसरे फेज में जो है कार्ड बनवाने का प्रोसेस को आसान यहाँ पर बनाया गया है। तीसरे फेज के बाद लोगों के तेजी से कार्ड यहाँ पर बने हैं। वह लोग खुद ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ये काम कर रहे हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो जियो और एयरटेल का रिचार्ज अब होगा महंगा, अनलिमिटेड 5G डेटा फ्री ऑफर भी होगा बंद। देश की दिग्गज मोबाइल कंपनियां अब रिचार्ज महंगा करने की फिराक में, इसी के साथ जियो और एयरटेल जो है अनलिमिटेड 5G डेटा जो है उपलब्ध कराना बंद कर सकती है। अभी दोनों कंपनियां जो है ग्राहकों को जो है फ्री अनलिमिटेड 5G सेवाएं जो है दे रही है। दोनों कंपनियों का ही यहाँ पर 5G नेटवर्क अब पूरे देश में फैल चुका है। ऐसे में अब 5G और 4G की तुलना में यहाँ पर 10% अधिक शुल्क वसूलने की तैयारी में यहाँ पर कंपनियां है। वही साल की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से इस शुल्क को वसूलने की शुरुआत हो सकती है। नवम्बर 2023 में एयरटेल के MD ने यहाँ पर कहा था कि प्रति ग्राहक मासिक औसत राजस्व एयरटेल को 200 से बढ़ाकर 250 यहाँ पर किया जा सकता है। वह इसके साथ ही दोनों कंपनियों ने यहाँ पर निवेश और अधिग्रहण की लागत में सुधार के लिए 20% तक की मोबाइल टैरिफ जो है बढ़ाती कंपनी जो है मोबाइल टैरिफ बढ़ा सकती है, यानी मोबाइल रिचार्ज आपका महंगा हो जाएगा। ये बढ़ोतरी सितंबर 2024 में यहाँ पर करने की तैयारी है। इसके साथ ही डेटा बंडल भी जो है बदला जाएगा, इसमें डेटा को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। बता दें आपको कि आर्थिक तंगी के कारण वोडाफोन आइडिया ने अभी तक 5G सेवाएं शुरू नहीं की। बात करते हैं अगली खबर की। तब राशन की दुकान पर मिलेगा गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल, इस जिले में शुरू होगा अभियान। राशन की दुकान पर कई तरह की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी अब चल रही है। सरकार जल्दी जो है इन दुकानों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस यहाँ पर दुकानें को यहाँ पर करेगी। फिलहाल अब आपको जो है पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंप के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राशन की दुकानों से ही आपको पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर जैसे सामान जो है वो मिल जाएंगे, यानी गैस सिलेंडर जैसे पेट्रोल भी यहाँ पर मिलने लगेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिलों में जोर यहाँ पर जिले में जो है जोर शोर तैयारी यहाँ पर चल रही है। अभी गेहूँ चावल और बाजरा मिलता था, वही अब गाड़ी में पेट्रोल भी जो आसानी से यहाँ पर भरा सकेंगे। वही राशन की दुकान को पेट्रोल प्रोडक्शन रखने के लिए कंपनियों से मंजूरी मिलने के बाद सुरक्षा उपाय भी यहाँ पर करना होगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो लाडली बहना योजना जैसी योजना पूरे देश में लेकर आ सकती है मोदी सरकार। लाडली बहना योजना पूरे देश में मोदी सरकार जो है लाने की उम्मीद यहाँ पर सरकार जो है ला सकती है, ऐसी उम्मीद यहाँ पर लोगों के अंदर है। दरअसल 1 फरवरी 2024 को जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतिम बजट जो है पेश करेगी। वही लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम बजट है। इस साल आम चुनाव होने ऐसे में है, इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया जाने वाला बजट एक अंतरिम बजट होगा। जानकारों की माने तो इस बार बजट में जो है मोदी सरकार कड़े ऐलान यहाँ पर कर सकती है, बड़े ऐलान कर सकती है। वही मोदी कार्यकाल 2.0 के आखिरी बजट में हर वर्ग के लोगों को उम्मीद है, खासकर किसानों, युवाओं और महिलाओं को इस बजट से काफी उम्मीद यहाँ पर हो सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव में महिलाओं के वोट साधने के लिए मोदी सरकार लाडली बहना जैसी कोई योजना लेकर आ सकती है। वही खबरों के मुताबिक इसके लिए पात्रता मानदंड, वार्षिक आय राशि का आकार समेत कई मुद्दों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि हालांकि MP विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना से BJP को काफी यहाँ पर फायदा दिया था। ऐसे में सरकार महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजना जो है लेकर आ सकती है।